मुझे एलर्जी हो गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वायरल टिकटॉक हैक्स। नाउ ये इतने वायरल हैं कि इनको तो ट्राई करना बनता ही है, तो मैं कुछ 3 हैक्स ट्राई करने वाली हूँ आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे पार्ट 2 के लिए बताना। ये हैक्स इतने फेमस होते चले जा रहे हैं, इतने फेमस होते जा रहे हैं कि इन्हें देख के लिटरली ट्राई करने का मन करता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना ज्यादा हैक्स ट्राई करने का मन क्यों करता है, आई हैव नो आइडिया। तो टिकटॉक हैक्स ट्राई करने से पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी, क्योंकि स्किन की क्या गारंटी है गारंटी तो ले नहीं रहा, तो इट इज बेस्ट कि मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज पहले ही कर लूँ। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दीज, मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई। अब मैंने अपनी स्किन को कर लिया प्रेप, क्योंकि बगैर प्रेप करे तो मैं मेकअप लगाती नहीं हूँ अपनी स्किन पर, आपको भी नहीं लगाना चाहिए। सो पहला हैक है आईब्राउज के लिए। तो पहला हैक को के अंदर लेट्स सी क्या किया है इन्होंने। मैं यूज़ करने वाली हूँ नायका की आईब्राउ पैलेट। तो पहले हैक में ये ब्रश लिया है और ये लिया है कलर। अब आईब्रो के ऊपर लगा लिया ऐसे, ये मैंने अपनी आईब्रोज को क्या कर लिया कोई नहीं मजेदार है ये। वो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये एक ही आईब्रो के साथ करूँ या मैं दूसरी आईब्रो के साथ भी करूँ, तो मैं सोचती हूँ कर ही लेते हैं यार, देखी जाएगी। ऑनेस्टली मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बट मजा आ रहा है। इसने ऐसे किया है और ये मेकअप वाइप लिया है और अब इससे वाइप किया है। सो लेट्स डू इट। आईब्रो की डायरेक्शन में ओके, एक सेकेंड, ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस। ओके थोड़ा बोल्ड हो गया यार ये, दिस इज बोल्ड। आई डोंट थिंक ऐसे पब्लिक में जा सकता है कोई। ओके लेट मी ट्राई दिस वन ऑल्सो। क्लीन बहुत ईजिली हो गया यार ये, बहुत आसानी से क्लीन हो गया। बट ये अगर आपने फाउंडेशन लगाई और उसके बाद आप आईब्रोज कर रहे हो तो आई थिंक ये फाउंडेशन भी हटा देगा सारी की सारी कंसीलर भी। तो आई थिंक इसे आपको बगैर फाउंडेशन, बगैर कंसीलर, बगैर बेयर स्किन पे ही करना पड़ेगा। ओके आई मीन नॉट बैड बट नॉट गुड ऑल्सो। शायद मेरे को दूसरा कलर यूज करना चाहिए था, मे बी अ बिट लाइटर। बट फिर भी अगर मैं लाइटर भी यूज करती तो भी, मतलब मैं यूजुअली लाइटर शेड यहाँ पे यूज करती हूँ और पीछे आर्च पे थोड़ा सा डार्क, सो वो तो तब भी नहीं हो पाता। बट आई लाइक दिस हैक, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक। विल आई ट्राई इट अगेन? यस आई विल। मतलब आई डोंट नॉट नो, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट ये कर सकते हो। मुझे यूजुअली बहुत टाइम लगता है अपने आईब्रोज करने में, तो आई लाइक इट, आई एम गोना ट्राई दिस अगेन। ओके नेक्स्ट है फाउंडेशन का कलर थ्योरी फाउंडेशन हैक। तो अब ये मैं ट्राई करने वाली हूँ फेस पेंट। मैं मेरे क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा फेस पेंटिंग होती है तो आई हैव दिस। तो अभी मैंने ये रिसेंटली लिया है एंड वाओ, मैं इसे हैक के लिए यूज़ कर रही हूँ। ले लेते हैं। आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड फॉर दिस। ये वाइट डॉट्स लगा रही हैं अपनी स्किन पे बहुत सारे, बेसिकली प्राइमरी कलर्स यूज कर रही हैं। मैंने फेस पेंटिंग अपनी बचपन में भी कभी ट्राई नहीं करी, आई मीन अपने फेस पे मैंने कभी पेंट नहीं किया। वाओ
और मैं अभी कर रही हूँ ये सब काम। मैं एकदम पेंटिंग जैसी लग रही हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज सो मच फन यार। अब आई विल ऐड येलो। नाउ इसके अंदर ये है कि अगर आपकी स्किन टोन येलो अंडरटोन, लाइक अगर आपकी स्किन येलोइश अंडरटोन पे जाती है तो आप थोड़ा ज़्यादा येलो यूज़ करो। अगर आपकी कूल टोन ज़्यादा है तो आप ब्लू ज़्यादा यूज़ करो और रेड। तो वही हम अभी करने वाले हैं। मैं यूज़ करने वाली हूँ येलो अ लिटल बिट बिकॉज मेरी थोड़ी कूल टोन स्किन है। अभी यूज करूंगी मैं रेड। आई हाय, एकदम पेंटिंग जैसी लग रही हूं मैं। मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं लगा रही? नहीं यार, मेरे से बहुत ज्यादा लगा है। इन्होंने भी फाउंडेशन ब्रश लिया है तो मैं भी फाउंडेशन ब्रश ही यूज करूंगी। ओके, इसे ब्लेंड करना बिल्कुल इजी नहीं हो रहा है। एकदम रेड्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। वो सवाल ही उठता है कि कोई ये हैक्स के लिए ट्राई करने के लिए कर सकता है, बट ये रियल लाइफ में कोई क्यों ही करेगा? मतलब एक तो ये पैलेट इतनी एक्सपेंसिव है और ऊपर से ये कलर्स को डॉट करना इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो मतलब इससे अच्छा कोई आदमी फाउंडेशन यूज ही ना खरीद ही ना ले। जस्ट अभी मैंने ज्यादा आई थिंक रेड्स ऐड कर दिए हैं तो ऐसा लग रहा है मुझे एलर्जी हो गई है। ओके, तो सेकेंड हैक के लिए ये मैं बोलूंगी कि एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बट आप ऐसा क्यों करोगे? क्यों ट्राई करने के लिए कर सकते हो, बट एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है आपकी स्किन पे, तो इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा। बट ये कैसे पॉसिबल है अगर आप पॉइंट्स बनाते रहोगे अपने फेस पे? तो इट वाज अ फन हैक ऑल इन ऑल। नेक्स्ट हैक से मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि आपको रेड लिपस्टिक यूज करनी है अंडर आइज पे, और मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही रेड लिपस्टिक है। ये है मैक की रूबी वू और ये इतनी मैट है मैं इसको लिप्स पे लगाने से डरती हूँ, तो अंडर आई एरिया तो मतलब आप समझ सकते होंगे। ये लिपस्टिक जो है ये बहुत ज़्यादा मैट है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट एनी थिंग फॉर द हैक्स। मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लगा रही हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ, इतना काफ़ी है। अच्छे से स्मच कर रही हूँ और अब मैं लगाऊंगी। यार मैंने इसकी क्या आदत कर ली। ओके, अभी लेंगे कंसीलर और कंसीलर से हम इसको, ओ नो, मैंने रेड आई थिंक आई स्विच टू अनदर ब्रश। ओके, अभी कंसीलर लेंगे, कंसीलर को इसके ऊपर लगा देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कंसीलर एकदम रेड रेड हो जाएगा, पिंक पिंक, बेबी पिंक हो जाएगा। आई रियली डाउट। तो जस्ट गोना गो एंड विद, ओह माय गॉड, नहीं हो रहा भाई, मैसिव फेल हो रहा है ये तो, है ना। आई सीन सबके अलग अलग वर्जन्स होते हैं बाय द वे ये हैक्स के, किसी को अच्छा लगता है किसी को खराब। ये तो फेल है भाई, ऐसे कौन करता है अंडर आइज ना। आई थिंक आई एम गोना रिमूव इट। ओह माय गॉड, वाओ, हैप्पी टू टेक इट ऑफ, यू नो, निकल गया। भगवान, मैंने स्किन की बैंड बजा ली। मेरे पास भी एक हैक है गाइज, ये लीजिए माइसेलो वाटर और ये लीजिए वेट वाइप,
इस पे लगाइए ये और अपने मुंह को कर लीजिए अच्छे से साफ. Honestly, I enjoyed it a lot. मुझे बहुत मजा आया. Let me know अगर आप चाहते हो मैं एक part 2 भी करूँ इसका तो मुझे बता दो comments में. I'll do it. अगर आपको मेरी video अच्छी लगी तो मुझे comments में ज़रूर बताना और मेरी next video का wait करना. Until next time, bye.